सदगुरु किसी गुरु और उसके शिष्य के बीच का रिश्ता कैसा होता है क्या गुरु एक तानाशाह की तरह माता पिता की तरह या एक मित्र जैसा होता है यह सबसे अजीब सवाल है जो आप पूछ सकते हैं <laughs> मैं दोस्त बनने को तैयार हूं पर मैं वाकई नहीं हूं अगर मैं दोस्त बन जाऊं तो यह मेरे लिए अच्छा होगा पर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि दोस्त कौन होता है जिसके साथ रहकर आपकी सीमाएं मजबूत होती हैं आपको आराम मिलता है और आपका अहंकार मजबूत होता है क्या आप ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करेंगे जो आपका अहंकार तोड़े आप नहीं करेंगे जो आपके अहंकार को सहारा देता है उसे मजबूत बनाता है उसी को आप दोस्त के रूप में चुनेंगे तो दोस्त बिल्कुल नहीं आप जान ही चुके होंगे <laughs> माता पिता मैं अपने और आपके माता पिता का सम्मान करता हूं पर, <laughs> पर वो कुछ अज्ञानता और मजबूरियों से माता पिता बने थे ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं दस बारह वर्ष की उम्र में आप बिल्कुल ठीक थे चौदह पंद्रह सोलह की उम्र में आपके शरीर में दूसरी तरह के रसायनों ने जहर घोल दिया अचानक आपकी नजर किसी महिला पर पड़ी और कुछ होने लगा आपने किसी पुरुष को देखा और कुछ होने लगा पिछले ही साल वो बिल्कुल ठीक थे पर अब अचानक आपको वो बिल्कुल अलग दिखने लगे किसी तरह आपके अंदर ऐसा जहर फैला एक खास तरह से दिखने लगा जब हॉर्मोन्स का कब्जा खत्म हो जाता है तब आपको लोग फिर से नॉर्मल दिखते हैं चाहे पुरुष हो या महिला सभी नॉर्मल दिखते हैं जब हार्मोन हावी थे तब वो आग की तरह दिखते थे हार्मोन्स हावी थे वो धोखा नहीं था वो सच था वो बिल्कुल सच था है ना? तो माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों के माध्यम से वो काम करने की कोशिश करते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए सामान्य तौर पर हमेशा नहीं उनमें से कुछ यहां हैं हम ये देखते रहते हैं हमारे स्कूल के शिक्षक जो स्कूल चलाते हैं वो मेरे पास आकर कहते हैं क्योंकि हमने माता पिता को साफ बता दिया है कि आपका बच्चा ईशा होम स्कूल में होगा तो हम रिपोर्ट कार्ड नहीं देंगे हम रिपोर्ट कार्ड देकर यह नहीं कहने जा रहे कि आपका बच्चा किसी और के बच्चे से बेहतर है यहां सब कुछ किया जा रहा है ताकि बच्चे फूल की तरह खिल उठें बहुत सी चीजें कई चीजें की जा रही हैं जो दुनिया के बहुत ही कम स्कूल कर सकते हैं पर हालांकि वो जानते हैं कि ये अच्छा है बच्चे अच्छे से विकसित हो रहे हैं वो शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी उम्र से भी ज्यादा मचौ होने लगे हैं जिससे डर लगता है पर सब ठीक है लेकिन जब वो छुट्टियों में घर जाते हैं तब पड़ोसी के बच्चे कहते हैं हमें नब्बे परसेंट मिले तुम्हें कितने मिले यहाँ के बच्चे परसेंट नहीं जानते वो कहते हैं क्या परसेंट हमें परसेंट नहीं मिलते तो माता पिता को अजीब लगता है मेरे बच्चे को बेहतर परसेंट नहीं मिले तो वो परेशान होकर हमारे पास आते हैं और कहते हैं नहीं परसेंट होने चाहिए मेरा बच्चा और अच्छा कर सकता है अगर वो दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसे सौ में से सौ मिलेंगे फिर मैंने कहा कि अगली बार कोई ऐसा कहे तो उनसे कहें पहले अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाएं सभी माता पिता अपनी मार्कशीट लाएं देखते हैं उन्हें कितने मिले थे हम कहेंगे कि यह वंश का असर है अगर आपके बच्चे को नब्बे की बजाय बीस मिले तो यह आपके वंश की समस्या है तो एक या दो माँ बाप को ये जवाब मिलेगा तो बात फैलेगी कि वो आपके भी रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं रहने दो बच्चों के परसेंट मत पूछो तो माता पिता तो बिल्कुल नहीं तानाशाह मुझे लगता है कि मैं इसमें फिट होता हूँ एक तानाशाह यानी आमतौर पर आप सोचते हैं कि तानाशाह हिटलर स्टालिन या मुसोलिनी जैसे होते हैं नहीं उनका किसी चीज पर कंट्रोल नहीं था हमेशा उनके आसपास कुछ गड़बड़ रहती थी वो हिंसक तरीकों से कंट्रोल करना चाहते थे पर उनका कभी किसी चीज पर कंट्रोल नहीं था हाँ उनके आसपास हमेशा सब बिखरता रहता था पर मुझे लगता है कि मैं इस लेबल में उनसे ज्यादा फिट बैठता हूं क्योंकि जब बात जीवन की हो तो आपकी बातों विचारों और कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो मैं कहूंगा वही होगा अगर बात बुनियादी जीवन की हो तो, तो मैं तानाशाह हूं क्योंकि मैं किसी की नहीं सुनता जीवन की सरल चीजें हों तो मैं बच्चों की बातें भी आदर से सुनता हूं पर जीवन के कुछ पहलुओं की बात हो तो भगवान भी आ जाएं तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं उनसे भी बेहतर जानता हूं ये बिल्कुल अहंकारी बेवकूफ माइक टाइसन जैसा लगता है पर मैं क्या कर सकता हूं यह सच है तो जब बुनियादी जीवन की बात हो तो मैं एक तानाशा हूं कोई सवाल ही नहीं है कोई दो राय नहीं है आप शास्त्रों की बात करेंगे तो मैं खारिज कर दूंगा आप पंडितों को लाएंगे मैं उन्हें खारिज कर दूंगा आप किसी को भी मेरे पास लाएं बुद्ध को उनकी कब्र से जगाकर लाएं अगर वो मुझसे सहमत नहीं होंगे तो मैं खारिज कर दूंगा तो जीवन के मामले में मैं एक तानाशाह हूं मुझे लगता है कि मेरे लिए वही लेबल ठीक है क्या आप खुश हैं